देखिए, बीजेपी पहले से ही बैकफुट पे है। राहुल गांधी की पदयात्रा शुरू होने के बाद से जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ताओं ने रिएक्ट किया और जिस तरीके से बिलो द बेल्ट बात करनी शुरू की, जिस तरीके से ऐसी बातों को लेकर के चर्चा शुरू की गई जिससे कि पूरी की पूरी यात्रा ही खारिज हो जाए, उससे ही बीजेपी घबराई हुई। बीजेपी ने कभी भी, और अभी लगातार ये कोशिश जारी है कि इस यात्रा को ही खारिज कर दिया जाए, क्यों कि राहुल गांधी की यात्रा में उठाए गए मुद्दों पे कोई बात नहीं कर रहा है। इधर उधर की बात की जा रही है कि यह पार्टी बचाने की कोशिश है, यह परिवार के 3 सदस्यों को बचाने की कोशिश है, यह जनता से जुड़ने की कोशिश है ही नहीं है। यहाँ इसके पहले भी उन्होंने एक ये यात्रा शुरू की थी, वो यात्रा शुरू की थी, उसका कोई परिणाम नहीं आया। इस तरह के तमाम तरह की बातें की जा रही हैं, तो बीजेपी तो घबराई हुई है ही है। और गुजरात का जहाँ तक बात है, देखिए, अगर आप जो मोदी जी ने कांग्रेस का प्रचार किया, राजीव जी, आप याद कीजिए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान माननीय गृह मंत्री जी ने बहुजन समाज पार्टी का प्रचार किया था। उन्होंने कहा कि आप इस गलत फहमी मत रहिए कि केवल समाजवादी पार्टी को अल्पसंख्यक लोग वोट दे रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी को भी लोग वोट दे रहे हैं। मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ, मेरे लिए नया अनुभव था कि एक पार्टी जो अपना प्रचार करने के बजाय विरोधियों का प्रचार कर रही है, और इस गुजरात चुनाव में आते आते उन्होंने कांग्रेस का प्रचार शुरू कर दिया। प्रश्न यह है कि हम लोग तो लगातार कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा सृजित विपक्ष है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के लिए कोशिश किया है केंद्र सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने कि उसको विपक्ष के रूप में स्थापित किया जाए, केंद्रीय सत्ता शासन के द्वारा उत्पीड़ित होने का एक उसके ऊपर थप्पा लगे, जिससे कि एंटी इनकम्बेंसी जो वोट है गुजरात में या हिमाचल प्रदेश में जहाँ पे आम आदमी पार्टी लड़ रही है, वह एंटी इनकम्बेंसी वोट भारतीय जनता पार्टी से नाराज हुए लोग आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बट जाए। यह पूरी कोशिश लगातार जारी है। दुर्भाग्य क्या हो रहा है कि आम आदमी पार्टी शहरी इलाकों को छोड़ करके कहीं घुस नहीं पा रही है। शहरी इलाकों में प्रचार कर ले रही है, बाकी इलाकों में प्रचार करने के लिए उसके पास कुछ है ही नहीं शहरी, और उसके लिए इसलिए उसका तामझाम है। लेकिन जब इनके ऊपर दबाव बना कि केवल शहरी इलाकों में मत रहो, तो राजकोट का जो सौराष्ट्र का इलाका है वहां भी टहलना शुरू कर दिया जहां कोई इनके पास रिस्पांस नहीं है। तो अब ये अब इनके लगने लगा कि अब त्रिकोणीय लड़ाई लड़ाने के लिए कांग्रेस का नाम तो लिया ही जाए। वस्तुति स्थिति यही है कि जो गनी साहब ने कहा कि कांग्रेस का ग्रामीण इलाकों में अच्छा खासा, और जो पोलराइजेशन है जिसकी बात प्रोफेसर रविकांत जी ने कही, ये तथ्य है कि ग्रामीण इलाकों में पोलराइजेशन नहीं है, शहरी इलाकों में ये पोलराइजेशन है और ग्रामीण इलाकों में बहुत त्रस्त हैं लोग। आखिर आप इतने सालों के शासन के बाद अगर आप पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बदल देते हैं तो क्यों बदल देते हैं? ये अनायास है, बिल्कुल इसके पीछे कोई तर्क नहीं है, इसके पीछे कोई कोई आपकी मंशा नहीं है। आपको यह पता है कि एंटी इनकम्बेंसी बनी है और उस एंटी इनकम्बेंसी को भोथरा करने के लिए जो चेहरे सामने हैं उनको हटा दो और मंत्रिमंडल की बात करो, यह आपने कोशिश की। ये कहीं भारतीय इतिहास में पहली बार हुआ कि मंत्री मुख्यमंत्री से लेकर के उपमंत्री तक एक साथ बदल दिया जाए और किसी कानो कान कोई खबर ना हो। तो यह तो क्यों इनकम्बेंसी को रोकने की कोशिश थी। और दूसरी चीज, आप बिल्कुल मतलब ये मत होइए कि जो अंतिम हथियार है बीजेपी का वो हथियार अभी चला नहीं है। आज आपने देखा नहीं माननीय प्रधानमंत्री जी महाकाल में कैसे माला लेके जाप कर रहे हैं और उस फोटो किस तरह से वायरल किया गया? आने दीजिए ना, चुनाव को नजदीक आने दीजिए, घोषणा होने दीजिए आप। वो तो मतलब अंतिम हथियार है और अचूक हथियार अब तक साबित होता रहा है। आते 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 पोलराइजेशन की बात होनी है, समाज को मैंने बांट करके ही वोट लेने की बात क्यों, गवर्नेंस कहां से दे देंगे आप? सवाल यह है कि आप अगर आप इंडेक्स की बात करें, मतलब आपकी स्थिति यह है, विकास की स्थिति आपकी स्थिति यह है कि चुनाव के मौके पर महाराष्ट्र से जो निवेश हो रहा था वेदांता का, उसको लेकर के या चले आया गुजरात में बताने के लिए कि मैं निवेश कर रहा हूं। पिछले 6 महीने के दौरान, गणेश जी इस बात को पुष्ट करेंगे, पिछले 6 महीने के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी, सम्मानित गृह मंत्री जी ने जितने शिलान्यास किए हैं वह पिछले 6 साल में नहीं हुए, और जो पिछले दिनों में जो शिलान्यास हुए थे आप उसका कि जो जो घोषणाएं की गई थी, जो जो शिलान्यास किए गए थे, उनकी स्थिति क्या है?
इसके पहले पिछले 20 सालों में गुजरात वाइब्रेंट के नाम पर जो निवेश की बात, कोई भी मोदी जी ने कोई भी समझौता 2-4 हजार रुपए का नहीं किया है, 1 हजार करोड़ रुपया, 10 लाख रुपया, 50 हजार करोड़ रुपया, इससे नीचे का कोई प्रोग्राम नहीं हुआ वहां। रुपया गिनते गिनते थक जाएंगे आप, शून्य नहीं गिन पाएंगे। और आप उनसे पूछिए कि जो शिलान्यास हुए वो है कहाँ। अगर यह शिलान्यास हुए होते तो आज आपको मेदांता को अंतिम एक एक राज्य सरकार को नाराज करके, जो आपकी सरकार है, आपको लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं तो कहता हूं कि जो पिछले चुनाव के दौरान, मैं आप सभी लोगों को याद होगा, सम्मानित प्रधानमंत्री जी एक पानी पर चलने वाले जहाज पर उतरे थे ठीक एक दिन पहले। गनी साहब बताइए वो जहाज है कहाँ। अगर राजीव जी के सौजन्य से हम लोग जाएंगे गुजरात तो जरा उस जहाज पे घूम आएंगे कम से कम, वो कहाँ चल रहा है, खोजने वाला कोई नहीं है। आप विकास की बात करते हैं, 25 साल राज्य में आप शासन में, वहां यहां तक आप मेट्रो नहीं ला सके, और एक ही मेट्रो का शिलान्यास हर बार करते हैं आप। 2022 में भी आपने मेट्रो का शिलान्यास किया, 2017 में भी इसी मेट्रो का शिलान्यास, वो कहाँ गया। डेडिक राजकोट जैसे जिले में डेडिकेटेड फ्रेट है बसों का, मेट्रो का कहीं इतना पता नहीं है। प्रश्न इस विकास आपके विकास के दावे की पोल खोल दिया। क्या वहां शिक्षा पर है? शिक्षा पूरी तरह से निजी हाथों में है, सामान्य मध्यम वर्गीय आदि पढ़ा नहीं सकता वहां। चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से निजी हाथों में है, किसानों की दुर्दशा है, पेयजल का संकट किस इलाके में नहीं है वहां। राजकोट जैसे जिले में गणित साहब से आप पूछिए, लोग मतलब राजीव जी आपके 15-20 घरों में जितने बर्तन नहीं होंगे उतना एक आदमी घर में बर्तन बाल्टी होती है वहां। लोग पानी इकट्ठा करने के लिए इतने बर्तन रखते हैं, ये पानी जल पेयजल की स्थिति है। और जो और पिछड़े इलाके हैं, बिजली की स्थिति क्या हो गई वहां पर। अभी आप देखिए थोड़ा पानी बरस जा रहा है तो कोई एक शहर नहीं है जिससे बाढ़ की स्थिति ना जाए, चाहे आप वडोदरा हो, चाहे वो सूरत हो, चाहे वो राजकोट हो, चाहे वो अहमदाबाद हो, जो बड़े बड़े महानगर हैं उनकी बात कीजिए, जहाँ पे लोग जल निकासी की समस्या की वजह से त्रस्त ना हो, और आप 25 साल शासन में हैं। तो गवर्नेंस के नाम पे आप वोट मांग नहीं सकते हैं, आर्थिक निवेश पर आप वोट मांग नहीं सकते, विकास के आप आगे पास कुछ कहने के लिए नहीं है, किस नाम पे आप वोट मांगेंगे, कब तक आप लोगों को डर दिखाते रहेंगे। लोग क्या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, ऐसा व्यक्ति है जिसको देश की जो आर्थिक स्थिति है उसे दुष्प्रणाम का सामना करना पड़ रहा हो। सर्वाधिक गुजराती विदेश में है, बिल्कुल और आपके रुपए की स्थिति क्या आ गई। ये तो जब आप लोग बात कर रहे हैं ना, आर्थिक स्थिति सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है गुजरात, क्योंकि उनका व्यापार ठप है। व्यापार का मतलब नहीं, जब क्यों ये नहीं सही है कि सभी लोग कोई व्यापारी नहीं है, निवेश करते हैं, छोटे छोटे निवेशक हैं वो, छोटे छोटे जमा करता है, मिल क्या रहा उन्हें, इस सब की नाराजगी है। तो आपने कोशिश की, एक 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 दास का महल खड़ा करने की कोशिश किया, एक पत्ता पत्ता खिसका, अब लग रहा है कि कभी हवा बहेगी सड़ जाएगा। तो ये निश्चित रूप से जो माहौल बनाया है राहुल गांधी ने, उस भले राहुल गांधी वहां न जा रहे हो, एक संदेश तो फैलता ही है ना पूरे देश में, इस बात का संदेश, पूरे देश का राजनीतिक विमर्श बदला। इस राजनीतिक विमर्श का जी असर गुजरात, मैं महसूस करता हूं कि इस राजनीतिक विमर्श का असर गुजरात पे पड़ेगा, और इससे लोग घबराए हुए हैं। और ये कांग्रेस की बात कर रहे, आम आदमी और कांग्रेस, कांग्रेस की बात करने की मजबूरी है। और निश्चित रूप से ये वही तो जो कहा मीनू जी ने कि अगर कांग्रेस नहीं है तो उसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं आप। मुख्य चुनौती बिल्कुल कांग्रेस से ही है, और ऐसी चुनौती आपके सामने है जिससे कि जमीन खिसकने की आशंका आपकी है। और आप निश्चित, बिल्कुल आप बिल्कुल उस्मान भाई निश्चित रहिए, वो फोटो आ गया अकाल वाला, वो जाप करते हुए, वो बहुत जल्दी वो जो कार्ड है वो तो चलना ही चलना है, वो कहाँ जाएगा। बिल्कुल जी सांप्रदायिक कार्ड चलना ही चलना है। और लेकिन बहुत सारी बातें आप यहाँ रख रहे हैं सुनील शुक्ल जी, और उसके बाद भी विपक्षी दल,